सब्सक्राइब कीजिए टेक टू हिंदी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप देख रहे हैं टेक टू हिंदी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले किस तरह आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है। तो चलिए हम यूसी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल में। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जो है फेसबुक खोल लेना है। facebook.com पे आप जा सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ फेसबुक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फेसबुक अकाउंट जो है अपना लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, सिर्फ पासवर्ड डालना है दोस्तों। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो चलिए ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया दोस्तों। अब मैं लॉगिन कर लिया हूँ। अब मेरा देखिए दोस्तों फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब मैं इसमें बताऊंगा किस तरह से आप परमानेंटली फेसबुक जो है बंद कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं अकाउंट को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में दोस्तों थ्री बिंदु दिख रहा होगा दोस्तों, थ्री लाइन जो है राइट साइड में, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों। आपको क्रिएट ए ग्रुप, क्रिएट ए न्यू पेज, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ आप हेल्प एंड सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, तो आपको लैंग्वेज के नीचे यहाँ पे हेल्प सेंटर दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम हेल्प सेंटर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी चार ऑप्शन मिलते हैं, यूजिंग फेसबुक, मैनेजिंग योर अकाउंट, प्राइवेसी एंड सेफ्टी पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है मैनेजिंग योर अकाउंट, उस पर जाके क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं मैनेजिंग योर अकाउंट के अंदर। तो आपको सबसे नीचे देखिए लिखा होगा डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर अकाउंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ भी आपको जो है मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आपको जो चार नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है हाउ डू आई परमानेंटली, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे फेसबुक को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, तो आपको यहाँ इस साइड में देखिए राइट साइड में अदर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो डेस्कटॉप हेल्प लिखा हुआ है, उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं डेस्कटॉप हेल्प पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों नीचे आप दो ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड ए कॉपी ऑफ योर इन्फो इन फॉरम फेसबुक। दोस्तों ये करा अगर आप अपने फेसबुक को डिलीट करने से पहले कोई भी फोटो या डाटा अपना लोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और मेरे पास ऑलरेडी फेसबुक के सारे फ़ोटो अवेलेबल है मेरे मोबाइल में, तो मैं यहाँ डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपको देखिए लेट सर्च नाउ दिख रहा होगा, लेट अस नाउ पे क्लिक कर दीजिए आप। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा और सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड कंफर्म इसलिए मांगा जाता है दोस्तों क्योंकि आपका फेसबुक अगर किसी व्यक्ति ने चलाकर और वह चाहता है कि फेसबुक आपका डिलीट कर दे या परमानेंटली डिलीट कर दे, तो यहाँ पे पासवर्ड इसलिए कंफर्म किया जाता है कि पता लगाया जाता है कि आपका फेसबुक है या किसी और का, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड मांगने पर ही जो है आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो पाएगा। तो चलिए हम अपना पासवर्ड डालते हैं और अपने फेसबुक को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने अपना पासवर्ड जो है फिलअप कर दिया है, अब मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं जिससे मेरा फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये लोडिंग हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ऊपर में आपको दिख रहा होगा अकाउंट सक्सेसफुली शेड्यूल्ड फॉर डिलीशन। दोस्तों ये बोल रहा है आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है, मतलब परमानेंटली डिलीट हो चुका है।
लेकिन आपको नीचे दिख रहा होगा कुछ योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड फ्रॉम द सीट एंड विल बी परमानेंटली डिलीट विद इन 14 डेज। मतलब दोस्तों 14 दिन के अंदर बोला जा रहा है कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट 14 दिन के बाद। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये है, अगर आप को फेसबुक बंद करना है या हमेशा के लिए फेसबुक को परमानेंटली बंद करना है, कोई प्रॉब्लम आती है फेसबुक चलाने में या आप नहीं चाहते हैं टाइम वेस्ट करना, तो आप इस तरह से फेसबुक को जो है परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उसे भी पता चल सके किस तरह से फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए टेक टू विन दी चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सी समथिंग टेकी, सी समथिंग न्यू।